कोरबा से संचालित सर्वमंगला प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड के एजेंटों ने जांजगीर चांपा के दर्जनों ग्रामीणों को रकम तिगुना करने का झांसा देकर लाखों रुपए डकार लिया। इस मामले में परिपक्वता अवधि पूरी होने पर रकम वापस करने में आनाकानी किए जाने पर पीड़ितों ने इसकी शिकायत जांजगीर थाने में करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस की गठित टीम ने कोरबा जाकर कंपनी के कार्यालय में छापा मारकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वही कंपनी के दस्तावेजों की बरामदगी जारी है। फिलहाल पुलिस की पकड़ में आए कंपनी के डायरेक्टर और एजेंटों से पूछताछ जारी है और इस कंपनी के अन्य जिलों में भी कारोबार फैले होने की संभावना पुलिस जता रही है। श्यामाचरण तरह पैसा जमा करे हन 2009 में, अब पैसा मांगे जाथन त आद दह काल दह के पैसा देत नहीं है, आद दह काल दह कथे तह भाई नहीं तो देते। श्यामाचरण नाम से एजेंट है, उसके पास हम लोग पैसे जमा किए थे कि 10,800 लगभग किए थे कि 2009-10 में लगभग किए थे, तो 12-13 मिल जाएगा ऐसे बोले थे, तो मांगने जा रहे हैं तो फिर बोल रहे हैं कि 2 दिन बाद मिलेगा, 4 दिन बाद मिलेगा, अभी डेट नहीं हुआ है। वो एजेंट वहाँ गया है और इसका जो कंपनी है जो मतलब झुला रहे हैं। सर्वमंगला प्रॉपर्टी इंडिया लिमिटेड नाम की एक कोरबा की फर्म थी, जब इन्होंने कंपनी बंद कर दी और पैसा नहीं लिया, ऑफिस बंद कर दिया, तब कुछ पीड़ितों ने थाने में रिपोर्ट की जिसपे अपराध धारा 420-34 का कायम करके कंपनी के डायरेक्टर सहित 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनके सभी दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं और जांच पड़ताल की जा रही है और 2 आरोपी अभी इसमें फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और इनका डायरेक्टर है ब्रिज किशोर भट्टर जो कोरबा निवासी है, और साथ में नवधालाल चंद्रा जय जयपुर निवासी, राहुल आदित्य कोरबा निवासी है, और श्यामाचरण और पागुराम बरेठ ये दोनों जांजगीर के खोखरा निवासी, इन्हें गिरफ्तार किया गया।